और न्यू जगह पे न्यू स्टूडियो के अंदर आप सबको वेलकम है। नेचुरल स्टूडियो देख सकते हैं, नाम भी मेंशन हमने किया हुआ है। यहाँ पे आप सब जानते हैं लिबर्टी में बिल्कुल कजाफी स्टेडियम के सामने जमीन के ऊपर बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं एशिया कप जिसको कहते हैं ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का चल रहा है। दो मैचेस आज हो चुके हुए हैं, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच था, बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ है। और इस लो स्कोरिंग मैच से हमें सीखने को क्या मिला है, क्योंकि यहाँ पे होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, सेम वेन्यू है, जगह पे देख आप सब जानते हैं कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हुआ है 164 के ऊपर, जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश फुड़क गई। हमने बांग्लादेश को, मैंने तो बांग्लादेश को प्रिडिक्ट किया हुआ था, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग ने सुपर बॉलिंग की है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि श्रीलंका के अभी मेन बॉलर्स नहीं है, इसके बावजूद श्रीलंका के बॉलर्स इतना दम रखते हैं। और श्रीलंका एशिया कप के अंदर बड़ी अच्छी टीम साबित हुई है, वो हमेशा जब भी होते हैं एशिया कप के अंदर आके वो अपना जिसको कहते हैं ना अपनी आप दिखा देते होते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। अब डर इस चीज़ का कि पाकिस्तान भी जिसको कहते हैं ना कैंडी के अंदर डिसअपॉइंट ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है लो स्कोरिंग मैच है। अब सवाल ये आता है, जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसका कितना इम्पैक्ट होगा, जो चेस करेगा उसका कितना इम्पैक्ट होगा। पहले बल्लेबाजी करके 250 रन बोर्ड के ऊपर मस्ट है, क्योंकि 250 के ऊपर आपके पास चांस है जीतने का, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बॉल रुक कर आता है। बांग्लादेश ने भी फाइट किया श्रीलंका के अगेंस्ट, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश ने जोर लगाया। लेकिन क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ऐसा क्लोज मैच जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच और लो स्कोर मैच किसको सूट करता है, इसको वो बात करेंगे। पब्लिक रिएक्शन शूट किया, लोगों से बातें की, लोगों से पूछा कि आपको क्या इंपैक्ट नजर आ रहा है इस मैच के अंदर, कौन सी टीम ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है, किस खिलाड़ी का जिसको कहते हैं ना दबदबा आपको नजर आ रहा है। तो लोगों ने विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा के बारे में लोगों ने बड़ी जिसको कहते हैं ना बातें की है। तो रोहित शर्मा कितना इंपैक्ट हो सकता है इस मैच के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि रोहित शर्मा कितना इंपैक्ट अपना डालेगा इस मैच के अंदर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रोहित शर्मा का हम सब जानते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जब लास्ट टाइम ओडीआई खेला था, सेंचुरी 140 की मारी थी 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। इसी के साथ अगर आपको याद हो तो एशिया कप का आखिरी मैच जो खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में, शेखर धवन रोहित शर्मा दोनों ने सेंचुरी मारी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 0 पे आउट हुए थे, लेकिन 250 और 2 जिसको कहते हैं सो इनके नाम है। तो शामीर भाई जरा बताएं, जरा रोहित शर्मा का इंपैक्ट कितना होने वाला है इस मैच का। फलीद भाई, रोहित शर्मा का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। रोहित शर्मा को जो पाकिस्तानी टीम के अंदर से चीज तंग कर सकती है ना मेरे हिसाब से, वो है शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग। क्योंकि आपको पता है शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग का जो स्टाइल है ना वो रोहित शर्मा के खिलाफ है देखा जाए तो अगर रोहित शर्मा शाहिनशाह अफरीदी को किसी तरह टैकल कर लेता है, शाहिनशाह अफरीदी के पहले 5 ओवर निकल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा पिच के ऊपर पक्का हो जाएगा और उसके बाद फिर रोहित शर्मा नहीं छोड़ेगा। रोहित शर्मा का पक्का होने के लिए शाहिनशाह अफरीदी का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए बात बताऊं क्या है, हम सब जानते हैं कि शाहिन ने एक ही बॉल करना है, यॉर्कर लेंथ पे इनस्विंग करना है, सबको पता होता है, हर किसी को पता होता है ये बॉल आना है, लेकिन हर कोई शाहिनशाह अफरीदी की उस बॉल के ऊपर आउट भी होता है, LBW होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिनशाह अफरीदी बता के आउट कर रहा था मैंने यही बॉल करना, उसे 6 की 6 बोले वही करनी है, कुछ मिस होंगी, कुछ जिसको कहते हैं सही ठप्पे पे लगेंगी। अब सवाल ये आता है कि रोहित शर्मा ने उस बॉल की कितनी तैयारी की हुई है। अगर तो रोहित शर्मा आता है उस बॉल के ऊपर आउट हो जाता है, इसका मतलब है रोहित शर्मा का फेलियर है। रोहित शर्मा ने इतना टाइम लगा के उसकी इस बॉल के ऊपर तैयारी नहीं की। आपको याद होगा जब दुबई में वर्ल्ड कप का मैच था तब भी उसी बॉल के ऊपर आउट हुआ था रोहित शर्मा। तो ये मैं चीज कहना चाहूंगा, शाहिन ने 6 की 6 बोले वही फेंकनी है, देखना ये है कि वो कितनी तैयारी के साथ रोहित शर्मा की उसको टैकल करने की क्या एबिलिटी है। अगर रोहित शर्मा ने उसकी 6 की 6 बोले निकाल दी, दूसरे ओवर में शाहिन के ऊपर प्रेशर होगा, फिर 6 बोले निकाल दी, स्ट्राइक दे दी शुभमन गिल को, शुभमन गिल भी इन स्विंग का अच्छा प्लेयर नहीं है, पहले बता दूंगा आपको, स्ट्राइक ने शुभमन गिल को पकड़ा हुआ था, तो इन दोनों पे है शाहिन का जोर। अगर इन्होंने शाहिनशाह अफरीदी के पहले 4 ओवर निकाल दिए शमीर भाई, तो फिर तो आप समझे कि इंडिया ने बड़े रन मारे, इंडिया ने बहुत रन, फिर नसीम ही है जो नसीम हमें विकेट दिला दे, अगर नसीम जिसको कहते हैं ना इंपैक्ट डाल गया तो पाकिस्तान बच जाएगा। नसीम और हारिस रऊफ का मेरे हिसाब से उसके बाद बहुत रोल रहेगा, हारिस रऊफ का भी रोल काफी ज्यादा रहेगा बॉलिंग के अंदर। अगर नसीम शाह और हारिस रऊफ की अच्छी बन गई जुगल, इन दोनों को टैकल करने की बन गई, तो फिर भी मुझे लगता है कि स्कोर को रोका जा सकता। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ, रोहित शर्मा का तो इंपैक्ट हो गई, रोहित शर्मा बड़ा खतरनाक प्लेयर साबित हो सकता है इस मैच के अंदर, बड़ा जैसा कहते हैं ना दबदबा दिखा सकता है अगर वो चल गया, क्योंकि जहाँ वो चल गया उसने तेज क्रिकेट खेलनी है, 70-80 उसने मार देना होता है, सेंचुरी भी ना मारे 70-80 भी मार गया तो पाकिस्तान के लिए बड़े वक्ते पड़ जाएंगे, उसका वो तेज खेलेगा। फिर विराट कोहली है, अब विराट कोहली के बारे में हम क्या बोले, हम सब जानते हैं वो कितना बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम ने भी विराट कोहली को प्रेस कर दिया कि जब जिसको कहते हैं ना विराट कोहली 2019 में भी अपनी पीक के ऊपर था, अभी भी अपनी पीक के ऊपर ही है, जब इतना बड़ा प्लेयर आपके बारे में तारीफ करे तो खुशी होती है, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। बाबर आजम ने भी ये चीज मान ली हुई है कि विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं हमेशा से इसे रिस्पेक्ट करता है। विराट कोहली का इंपैक्ट बहुत होगा, विराट कोहली बड़ा दबदबा दिखाएगा इस मैच के अंदर। विराट कोहली ने मेरे हिसाब से ना इंडियन टीम की जो पहले 3 बल्लेबाज है ना, इनका इस मैच के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है पाकिस्तानी टीम के खिलाफ।
क्योंकि इसके अंदर हमारे पास विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये तीनों प्लेयर बहुत क्लास के प्लेयर है मेरे हिसाब से, और तीनों अगर अपनी आई पे आ गए ना तो फिर वक्ता डाल सकते हैं, बहुत वक्ता डालेंगे। शमीर भाई टेंशन बताऊं क्या है, देखिए एक्सपेक्टेड की हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेड क्या होगा हमारे पास है रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल सामने निशाने के, बिल्कुल ऐसे है। केएल राहुल बाढ़ हो गया हुआ है, श्रेयस अय्यर उसने खेला नहीं है अभी तक, जडेजा है कभी बल्ले से कभी बॉलिंग से, हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म है। तो देखिए बात बताऊं क्या है, इंडिया का टॉप थ्री ज्यादा खतरनाक है फिलहाल के लिहाज से, इनके बीच की जो बल्लेबाजी है ना मुझे इतनी खतरनाक नहीं, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा इशू है पाकिस्तान की, फिर जिसको कहते हैं ना इस प्रकार के सेंचुरी करने से पाकिस्तान की और शादाब के रन करने से पिछले दिनों पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है ना वो काफी हमारे मिडिल ऑर्डर की स्ट्रॉन्ग, हमें पिछले मैच नजर आया कि अगर हमारे ओपनर से लैग किया तो हमारे नीचे से बाबर आजम ने, इफ्तिखार अहमद ने और शादाब खान को भी मैं गिनूंगा, उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपको पता है बाबर आउट हुआ तो शादाब ने आते साथ चौका मारा, बिल्कुल, तो शादाब खान, बाबर आजम और फखर जमान ये तीनों जो है ना, शादाब खान, बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद, मेरे हिसाब से ये तीन प्लेयर्स बहुत इंपैक्टफुल है पाकिस्तानी टीम के लिए, इंडिया को ये भी वक्ता डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए फखर जमान और इमाम आपके आउट ऑफ टच नजर आए पिछले मैच के अंदर, अब देखिए फखर जमान का ये जिस मैच में चल गया वो मैच चल गया वही है ना, बिल्कुल ऐसी फखर का रन करना इंडिया के अगेंस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फखर जमान जल्दी आउट हो गया ना लो स्कोरिंग मैच होना, मैं आपको गेंद बता रहा हूँ, फिर पाकिस्तान अगर चेस कर रहा होगा ना फिर पाकिस्तान में बहुत प्रेशर है। देखिए लो स्कोरिंग की जहां तक आपने बात की ना, जिस तरह का हमने आज देखा है ना बांग्लादेश और श्रीलंका को, तो उससे तो ये बात साबित हो गई है कि पिच ऐसी है कि ये आपको लाहौर वाली पिच वाला मजा नहीं देगी, रुक कर बोल आ रहा है, तो लो स्कोरिंग मैच तो बिल्कुल होगा, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमों के लिए इस टाइम फायदे की बात यह है कि दोनों कोशिश पूरी करें कि एक दूसरे की जो कमी है ना उसको टैकल करना सीख जाए। देखिए देखा जाए तो टॉप थ्री बड़ा डिपेंड करेंगे दोनों टीम में, दोनों टीमों का टॉप थ्री बहुत जरूरी है, टॉप थ्री चल गया वो जिसको कहते हैं ना बाजी ले गया, इसमें थोड़ा सा ये है अवलीद भाई कि पाकिस्तान का अगर टॉप थ्री की, हाँ टॉप थ्री में अगर आप रिजवान को रखते हैं बाबर की जगह तो मेरे हिसाब से मतलब फखर, इमाम और रिजवान हमारे ये टॉप थ्री में अगर हम गिने ना तो इन टॉप थ्री को देखे ना, इन टॉप थ्री को अगर हम निकाल भी देना तो हमारे उसके नीचे के तीन बल्लेबाज बाबर, इफ्तिखार और शादाब ये बहुत पावरफुल रखते हैं, पावर रिजवान इफ्तिखार मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे नंबर थ्री में से बाबर आजम सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो हमारा बच गया ना तो फिर वो अपने बाद मिडिल ऑर्डर को लेकर चल सकते, लेकिन बात ये है कि आपने ये भी देखना है कि देखिए मुकाबला सिंपल था शमीर भाई, या तो इनके टॉप थ्री चलेंगे या तो हमारा टीम जिसके चलेंगे वो मैच जीत जाएगा, लेकिन बीच में कोई ऐसा खिलाड़ी आके जो बल्लेबाजी कर गया तो इम्पैक्ट डालेगा। अब क्योंकि बारिश का भी इम्पैक्ट है, बारिश भी होगी तो ये भी कहा जा रहा है, बारिश की प्रिडिक्शन तो है, बारिश हो भी सकती है, आज वैसे बारिश ने तंग तो नहीं किया, तो मैं ये कह रहा था कि लो कम ओवर का मैच होता है, अगर इन केस कम ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान तो यही इलेवन के साथ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया शायद जिसको कहते हैं ना सूर्य कुमार यादव को टीम में ले अगर कम ओवर का मैच होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इम्पैक्ट उसमें ज्यादा होगा, तो ये एडवांटेज इंडिया को जा सकता है। बेशक सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं ना भाई, वो जिसको कहते हैं ना कम ओवर के अंदर अच्छा खेल सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मुकाबला सिंपल सा है, पहला मुकाबला शाइन वर्सेस रोहित का, ये मुकाबला सबसे बड़ा है, जिसने बाजी ले ली उसने मैच जीत लिया, सिंपल सी बात है। जहां पे आपका रोहित शर्मा पहले ओवर में आउट हो गया ना वहां पे जिसको कहते हैं ना मैच पाकिस्तान की साइड पे चला जाएगा, क्योंकि शाइन की आदत अगर एक विकेट ले लिया नहीं बॉल से दूसरा भी लेना ही लेना है। तो मुकाबला असल सिर्फ और सिर्फ यही है कि शाइन वर्सेस जिसको कहते हैं ना रोहित शर्मा का मुकाबला है, जो ये मुकाबला जीतेगा वो बाजी ले जाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, बात बहुत वैलिड है आपकी, मैंने जिस तरह हमने पहले भी बात की कि रोहित और शाहीन का जो मुकाबला है ना ये बहुत ही आपके मैच का डिसाइडिंग पॉइंट भी मेरे हिसाब से आप कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों में देखो एक ही जीत सकता है, सिंपल सी चीज है, अगर शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे जीत गया तो फिर इंडिया के पास आगे जो बल्लेबाज है ना वो मैच को बचा भी सकते हैं और नहीं भी बचा सकते। एक और भी चीज ये है कि अगर इन केस शाहीन विकेट नहीं लेता ना, अगर नसीम ने नए बॉल से दोनों को आउट कर दिया तब भी पाकिस्तान फेवरेट बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जहां पे आपने उनके 10-15 ओवर उनके टॉप ऑर्डर को खिला दिया फिर आप समझो आपके हाथ से मैच निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से ना ये बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। रही बात जैसे कहते हैं एशिया कप की, एशिया कप बड़ा अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के अंदर रेस्ट कर रही है, कल प्रैक्टिस सेशन करेगी 6-8 के दरमियान में, इंडिया की टीम ने भी प्रैक्टिस करनी है, शायद मुलाकात भी हो दोनों टीमों की, फिर परसों होगा बड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला बड़ा जिसको कहते हैं ना मजा आने वाला है, देखते हैं क्या लगता है। हर चीज से बात कर ली, अभी भी सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को चीज ट्रबल कर सकती है, वो क्या ट्रबल कर सकती है यही जिसको कहते हैं हमने सोचना है, उसका हल सोचना है। मेरे ख्याल से फिलहाल के लिहाज से ना टॉप थ्री देखा जाए, टॉप थ्री वर्सेज टॉप थ्री, बाबर के रन करने से तो फिलहाल जिसको कहते हैं पाकिस्तान का
पड़ला भारी नजर आ रहा है, लेकिन उनके ओपनर्स देख के, अपने ओपनर्स देख के ना, उनका पड़ला भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा फकर जमान आउट ऑफ टच हुआ हुआ है, तो ये बड़ा इंपैक्ट है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आने वाला है मैच, उस पर फैसला हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एशिया कप का बोर्ड भी आ रहा लग रहा है भाई, बिल्कुल एशिया कप के बोर्ड लगना शुरू हो गया जी। कलाफी स्टेडियम पीछे है, तो तैयारियां आपको पता है लाहौर के अंदर भी रूज पे है, लाइटें वगैरह शुरू हो गई है लगना अफगानिस्तान की टीम की। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।